अनेकों ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जो यदि इतिहास में ना होते तो जिन बड़े चेहरों को हम जानते हैं शायद उनका अस्तित्व भी ना होता। मगर आश्चर्य की बात तो यह है कि शायद ही हम में से कोई उनके बारे में अच्छे से जानता है, और हो सकता है कि हमने कितने ही वीरों का नाम तक ना सुना हो। हमारा यह प्रयास है कि हम ऐसे ही महान, साहसी और प्रेरणादायक जीवन चरित्र और सच्ची घटनाएं आगे लेकर आएं, और हर विचारधारा और पृष्ठभूमि के नायकों की जीवन कथाएं एक प्रेरणादायक और ऐतिहासिक पहलू पर प्रस्तुत करें। आज हम जिन क्रांतिकारी की बात करने जा रहे हैं, इन्होंने पहली बार अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राइट टू रिकॉल का नारा दिया। यही नहीं, ये वे शख्स हैं जिनकी वैचारिक विरोध से तो गांधी जी तक दंग रह गए थे। बनारस की सरजमी से एक ऐसा ही क्रांतिकारी निकला जिसकी रखी नींव पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने क्रांति का परचम लहराया। उनकी लिखी किताबों को क्रांतिकारियों ने गीता और बाइबल की तरह माना। वो पहले ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार काला पानी की सजा अंडमान की सेलुलर जेल में बिताई। आज हम उन्हीं श्री सचिंद्र नाथ सान्याल या सचिन सान्याल को याद करेंगे। कहा यह जाता है कि गांधी जी के आने से पहले और आने के 10 साल बाद तक जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उन सब में सचिन सान्याल का नाम शामिल था। फिर चाहे वो 1912 में अंग्रेजी वॉइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हो, या फिर 1915 की गदर क्रांति, या फिर रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान के साथ काकोरी ट्रेन डकैती का केस हो, और या फिर भगत सिंह आजाद जैसे क्रांतिकारियों को दुनिया के सामने लाने वाली क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन। बचपन से ही सचिन में देशभक्ति का जुनून सर पर सवार था, जो देश को आजाद देखने के लिए उन्हें अंदर से व्याकुल कर रहा था। धर्म की नगरी काशी में पैदा होने के कारण रामायण और गीता जैसे ग्रंथों को उन्होंने बार बार पढ़ा। अन्याय के खिलाफ जंग और जुल्म के खिलाफ विद्रोह उनकी आत्मा में भर गया था। उन दिनों बनारस बंगाल के क्रांतिकारियों की शरण स्थली बन गया था। 1909 में जब अनुशीलन समिति की बनारस शाखा रखी गई तो वे वहां से जुड़ गए। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात बागा जतिन और राज बिहारी बोस से हुई। राज बिहारी बोस लगातार बनारस आ रहे थे। इधर जैसे ही अंग्रेजों ने देश की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली करने का ऐलान किया तो राज बिहारी बोस ने दिल्ली में वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बना ली। सचिन सान्याल भी उस योजना का हिस्सा थे। दिल्ली और बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों को भी शामिल किया गया। 1912 में जब वॉइसरॉय नई राजधानी दिल्ली में हाथी पर बैठकर घुसा, उसके हाथी पर बम फेंक दिया गया। महावत तो बेचारा मारा गया, हाथी और वॉइसरॉय घायल हो गए। राज बिहारी बोस कुछ दिनों बाद बनारस भाग गए और वहीं छुपकर रहने लगे। सचिन सान्याल उन दिनों उनके प्रमुख सहयोगी के तौर पर सारा काम संभालते रहे। पुलिस लॉर्ड हार्डिंग बम केस में उनका हाथ साबित नहीं कर पाई। फिर योजना बनी गदर क्रांति की। लंदन, कनाडा और अमेरिका में मौजूद देशभक्तों ने विदेशी मदद के सहारे भारत को आजाद होने का एक बड़ा प्लान बनाया था। शायद आजादी से पहले इतनी बड़ी सशस्त्र क्रांति की योजना कभी नहीं हुई थी। उत्तर भारत के यूपी, दिल्ली और पंजाब की कमान राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल के हाथों में थी, तो बंगाल में बागा जतिन ने मोर्चा संभाल रखा था। अमेरिका से करतार सिंह सराबा और विष्णु पंत पिंगले जैसे कई क्रांतिकारी मदद के लिए आ चुके थे। योजना थी कि भारत में एक साथ कई सैनिक छावनियों में विद्रोह करवाकर देश आजाद करवाया जाएगा, लेकिन एक गद्दार ने सारी योजना अंग्रेजों को बता दी और काफी कम समय में बहुतों को गिरफ्तार कर लिया गया। करतार सिंह सराबा जैसे क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई तो बागा जतिन एक एनकाउंटर में मारे गए। वह हमारे देश के लिए शहीद हो गए। सचिन सान्याल ने राज बिहारी बोस को देश से बाहर जाने के लिए राजी कर लिया और वो रविंद्रनाथ टैगोर के एक करीबी रिश्तेदार की मदद से
जापान निकल गए और वहीं बस गए। बाद में राज बिहारी बोस ने वहीं पर आजाद हिंद फौज की कमान भी संभाली थी और उसे सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर किया था। अब देश में गिनती के क्रांतिकारी रह गए। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने तक और गांधी जी के शुरुआती आंदोलन के दौरान थोड़ी शांति रही। चंपारण सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजी सरकार को गांधी जी के आगे थोड़ा झुकते देख कई क्रांतिकारियों ने कांग्रेस का दामन भी थाम लिया। रामप्रसाद बिस्मिल उन्हीं में से एक थे। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना क्रांतिकारी गतिविधियों को दोबारा उभारने के लिए बड़ी मानक मानी जाती है, लेकिन अब युवाओं का शांतिपूर्ण आंदोलनों से भरोसा उठ गया। इंडिया हाउस के लाला हरदयाल भी बिस्मिल के संपर्क में आ गए। सचिन सान्याल ने बिस्मिल के साथ मिलकर अपने क्रांतिकारी संगठन की योजना बनाई। 1923 और 24 में इसे मूर्त रूप दिया गया। नाम रखा गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। सचिन सान्याल ने इसका मैनिफेस्टो तैयार किया और उसी में दिया गया देश में पहली बार राइट टू रिकॉल का आइडिया, यानी आपके चुने हुए MLA या MP अगर आपकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते तो उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उनको वोटिंग के जरिए पद से हटाने का अधिकार। HRA के मैनिफेस्टो में लिखा था, इन दिस न्यू रिपब्लिक द इलेक्टर्स शैल हैव द राइट टू रिकॉल देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इफ सो डिजायर्ड, अदरवाइज द डेमोक्रेसी शैल बिकम अ मॉकरी। तो हम ये कह सकते हैं कि सचिन सान्याल और उनका गुट एक लिबरल डेमोक्रेसी के हक में था। इस मैनिफेस्टो में सचिंद्रनाथ सान्याल ने भविष्य के भारत की बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई थी। 3 अक्टूबर 1924 के दिन कानपुर में सचिन सान्याल की अध्यक्षता में सभी बड़े क्रांतिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बिस्मिल को शाहजहांपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद के साथ साथ आर्म्स डिवीजन का चीफ बना दिया गया। साथ ही यूनाइटेड प्रोविंस यानी आगरा और अवध के रीजन में संगठन की कमान दी। सचिन सान्याल को HRA का नेशनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया और जोगेंद्र चंद्र चैटर्जी को अनुशीलन समिति का कोऑर्डिनेटर। इसी मीटिंग में HRA का नाम तय किया गया और इसी मीटिंग में ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और बटुकेश्वर दत्त जैसे कई युवा चेहरे HRA में शामिल हुए। क्रांतिकारी गतिविधियों के मामले में सचिन सान्याल को इन सभी क्रांतिकारियों का मेंटर माना जाता है। वैसे भी बागा जतिन की मौत और राज बिहारी बोस के जापान चले जाने के बाद सचिन सान्याल ही सबसे वरिष्ठ क्रांतिकारी थे। इस मीटिंग के बाद जोगेश और सचिन बंगाल में HRA की जड़ मजबूत करने में निकल गए। भगत सिंह उन दिनों लाहौर से सीधे कानपुर आए थे, 6 महीने यहीं रहे। घरवाले उनकी शादी करवाना चाहते थे। कानपुर में वो पिता के मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले, जो प्रताप नाम से अखबार निकाला करते थे। वहीं उनको HRA के बारे में पता चला। सभी क्रांतिकारी साथियों से मुलाकात हुई। सचिन सान्याल ने जो पार्टी मैनिफेस्टो लिखा था उसको नाम दिया गया द रेवोल्यूशनरी और सभी युवा क्रांतिकारियों को काम दिया गया कि इस मैनिफेस्टो को ज्यादा से ज्यादा शहरों में युवाओं के बीच पहुंचाया जाए। इस पैम्फलेट के तौर पर किसी विजय कुमार के नाम से छापा गया और इसमें गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों की आलोचना भी की गई। इसी पैम्फलेट को बांटते वक्त बांकुरा में सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 साल की सजा उन्हें यहीं पर दी गई। उसके बाद HRA की योजना बनाई काकोरी ट्रेन डकैती तक। इस केस में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई और सचिन सान्याल समेत कई क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा हुई। चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल गुप्ता जैसे क्रांतिकारियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई तो भगत सिंह को काकोरी केस में शामिल ही नहीं किया गया था। उनको लाहौर में HRA की टीम खड़ा करने के लिए लाहौर भेज दिया गया था। काकोरी केस के बाद बिस्मिल को फांसी और सचिन सान्याल को जेल जाने के बाद भी एक बार फिर क्रांतिकारी आंदोलन सुप्त अवस्था में चला गया।
जिसके बाद में आजाद, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, पटुकेश्वर दत्त और सुखदेव ने दूसरा जीवन दिया। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एचआरए की मीटिंग बुलाई गई और एचआरए में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर उसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन यानी एचएसआरए रख दिया गया। आजाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया। इधर सचिन सान्याल को अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। सचिन ने जेल में ही अपनी किताब बंदी जीवन लिखनी शुरू कर दी। किसी तरह किताब जब छपकर आई तो क्रांतिकारियों को तो मानो संजीवनी मिल गई। युवाओं के लिए वो गीता और बाइबल बन गई। लाखों युवाओं के मन पर उस किताब ने अपनी छाप छोड़ी। उसी किताब में उनकी धार्मिक प्रवृत्ति के होने का पता चलता है। हालांकि भगत सिंह ने अपने लेख Why I am an Atheist में सचिन सान्याल को धार्मिक होने का जिक्र किया है, वेदों और उपनिषदों के बारे में उनकी आस्था के बारे में भी लिखा है। उस वक्त के लोगों के बीच चर्चा थी कि सचिन भगत सिंह के लेख का जवाब देते अगर वो जेल में ना होते और इसे पढ़ पाते। ये अलग बात है कि सचिन के भाई जितेंद्र सान्याल ने ही 1931 में भगत सिंह की पहली जीवनी लिखी थी। गांधी जी से यूं तो कई लोगों ने विरोध जताया, लेकिन बकायदा उनके विचारों पर लिखकर विरोध और उसके बाद गांधी जी के जवाब तीन ही लोक में चर्चा रहे। इनमें से एक खुद सचिन सान्याल थे, दूसरे उनके कनिष्ठ सहयोगी मनमंत नाथ गुप्ता और काकोरी कांड में जिनकी गोली से गलती से एक मौत हो गई, चलते सारे क्रांतिकारी गिरफ्त में आ गए। तीसरे सचिन के शिष्य भगवती चरण वोहरा, जो गांधी जी के लेख अपने पत्र फिलोसफी ऑफ बॉम्ब में चलते चर्चा में आए थे। असहयोग आंदोलन के वापस लेने से आहत सचिन सान्याल ने गांधी जी को लिखा था, आप बताते हैं कि अहिंसा हिंदुत्व की अवधारणा है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के ने अंत तक अहिंसा की कोई बात ही नहीं की है। आपातकाल में या फिर आखिरी विकल्प के तौर पर विश्वामित्र से लेकर परशुराम तक ने शस्त्र उठाए हैं। गीता में भी युद्ध करने का संदेश है। आप कहते हैं कि हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ताकतवर हैं, तो क्या मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर हथियारों के बल पर और बिना हमारी सहमति के शासन करते रहें? हम हथियार उठाएंगे तभी मुकाबला हो पाएगा। गांधी जी ने भी सचिन को लिखकर जवाब भेजा था कि अहिंसा के साथ कमजोर व्यक्ति भी लड़ सकता है और इससे वो आम जन की लड़ाई बन जाता है, जबकि हथियार के साथ लड़ने वाले बहुत कम हैं और उनके किए का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। सान्याल को बाकी काकोरी आरोपियों के साथ 1937 में जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन वो कहां मानने वाले थे? उस पर उनकी किताब बंदी जीवन के चलते वो युवाओं को प्रेरणा दे चुके थे। सरकार उन पर नजर रख रही थी। जैसे ही उन्हें सान्याल के ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की पुख्ता सबूत मिले, उनको न केवल फिर से गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि उनके वाराणसी वाले घर की कुर्की कर दी गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके प्रोटेस्ट में शामिल होने से सरकार भी नाराज थी। परिवार पर तो मानो आफत आ गई थी। सचिन को फिर से अंडमान जेल भेज दिया गया। उनके बेटे और पत्नी को सचिन के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। देश पर उन्होंने जीवन कुर्बान कर दिया। हालांकि गिरफ्तारी के पहले वो इतना ज्यादा चर्चा में थे कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने खुद उनके लखनऊ वाले घर पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की योजना को लेकर चर्चा करने आए थे बोस। दिलचस्प तथ्य तो यह भी था कि तब तक उनके बाद के क्रांतिकारियों की पीढ़ी यानी भगत सिंह, आजाद, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान आदि सब माँ भारती के लिए अपनी जान गंवा चुके थे और बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर आदि जेल में थे। अगर सचिन सान्याल गिरफ्तार नहीं होते, खुलेआम प्रदर्शन में हिस्सा न लेकर फिर युवाओं की फौज खड़ी करते तो शायद कुछ और हालात होते। लेकिन उनकी दूसरी जेल यात्रा ने उनके मनोबल और स्वास्थ्य दोनों पर खूब असर डाला। आधी जिंदगी जेल में ही गुजार चुके थे। जेल में उनको टीबी की बीमारी लग गई थी जो लाइलाज थी। उनको गंभीर हालत में गोरखपुर हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। हालात ज्यादा बिगड़ चुके थे। 1945 की शुरुआत में ही गोरखपुर में उनकी मौत हो गई। वो उस आजाद भारत को अपनी आंखों से देखने का सपना न पूरा कर सके जिसके भविष्य की तस्वीर उन्होंने
द रेवोल्यूशनरी में यूनाइटेड रिपब्लिक स्टेट्स ऑफ इंडिया के तौर पर बड़े करीने से बनाई थी। कहा जाता है कि उनका जो खानदानी घर ब्रिटिश सरकार ने कुर्क कर दिया था, वो आज तक उनके परिवार को वापस नहीं मिल पाया। तो यह थी कहानी महान क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल या श्री सचिन सान्याल की, जो आज़ादी से केवल 2 वर्ष पहले ही हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज हम आज़ादी से इतने वर्ष पूर्व हमारे क्रांतिकारियों और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के तरीकों और विचारधाराओं पर बहस करते हैं, तो हमें तब के समय और परिस्थितियों को अवश्य याद रखना चाहिए। भले ही गांधी जी या गांधीवादियों और क्रांतिकारियों की विचारधारा में विरोध हो, परंतु सब एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक ही लक्ष्य यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से प्रयास कर रहे थे। तभी तो जहां एक तरफ अंग्रेज गांधी जी और उनके असहयोग आंदोलन से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के पम और साहस से भयभीत भी थे। इन्हीं सब के मिश्रण से सन 15 अगस्त 1947 को हम अपनी स्वतंत्रता जीत पाए थे। अगर आप ऐसी ही और शौर्य वीर गाथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए, ताकि हम इन अनसुनी कहानियों को भूल ना जाएं। जय हिंद।